अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने समर्थकों के साथ निरहुआ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। हालांकि जिस समय निरहुआ को पार्टी में ज्वाइन कराया गया, उस समय मंच पर महेंद्रनाथ पांडे और विधायक पंकज सिंह को बैठने के लिए कुर्सी मिल गई, मगर सुपरस्टार से राजनेता बने निरहुआ मंच पर खड़े ही रह गए। जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने बीजेपी नेता निरहुआ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले को यहां बैठने के लिए सीट नहीं मिली। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें असली चौकीदार तक बोल दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी निरहुआ को आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है। न्यूज डेस्क।